ये ज़मीन आप कब से काबिज की है? 10 साल से। और काबिज करके आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्या लगाते हैं? का लगाते हैं, मगा बीनते हैं। अब भाई यहाँ अब का काम है, मगा सरा ही अब यहाँ तो हमारा काम है। तो खेती करते हैं इसमें? खेती हाँ। कब से खेती करते हैं? 10 साल है। जहाँ एक और शासन वन भूमि अधिनियम के माध्यम से लोगों को अधिकार पत्र देने का बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर उमरिया जिले के ग्राम चौराहा के 30 परिवारों ने 40 सालों से वन भूमि के ऊपर काबिज है। ये जो आपका घर है बना हुआ है, ये जंगल की जमीन में है या रजिस की जमीन? जंगल की जमीन में। ये घर कब से बना हुआ है? 50 साल हो गए। इस जो जहाँ पे जमीन छिलाए हैं, जहाँ पे घर बना, उसकी रकबा कितना होगा? लगभग कितने इतने हो गए? हाँ, 15-16। जैसे इसकी आवेदन वगैरह किए हैं आप? हाँ किए हैं। तो क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं मिला हमको प्रमाण पत्र। वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम जो वन भूमि में आदिवासी परिवार 2005 की पहले से काबिज है, उन्हें वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से अधिकार पत्र दिया जाएगा। लेकिन वन अधिकार अधिनियम कहीं ना कहीं कागजों में ही सिमटा हुआ नज़र आता है। खेती ही एक ऐसा साधन है उनके जीवन जीने का। इसके बावजूद भी इन आदिवासी परिवारों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। तो जैसे प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो क्या दिक्कत होती है भाई? ऐसे कुछ नुकसान हो जाता है तो कुछ हमको लाभ नहीं मिलता है। जो आधार बन जाता तो हमको सब मिलता, शासन सब देता। हम तो चाहते हैं हमको आधार चाहिए, पट्टा मिले। मैं यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप हमारे उमरिया जिले के कलेक्टर साहब अभिषेक सिंह, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00, यह नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाएं और हमारे यहाँ जो 30 परिवारों का वन भूमि में काबिज परिवारों का अधिकार पत्र नहीं मिल रहा है उसमें मदद करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम चौराहा, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।